हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रियंका एक बार फिर से आप सबके सामने आई हूँ। और मुझे बहुत खेद हुआ ये जान के कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी का फेसबुक अकाउंट और यूट्यूब अकाउंट डिलीट हो गया। कौन सी वीडियो के बाद डिलीट हुआ ये जान के और ज़्यादा खेद हुआ। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी ने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने आचार्य मनीष जी के साथ कुछ संवाद किया था इस बात को लेके कि जिस तरीके से मेडागास्कर के प्रेसिडेंट ने वहाँ के जो ऑर्गेनिक उपचार को बढ़ावा दिया है। बीच में भी कुछ खबर भी सुनने को आई थी कि मेडागास्कर के प्रेसिडेंट ने ये एलिगेशन लगाया है WHO पर कि उन्होंने उनको कुछ लगभग $20 मिलियन ब्राइब देने का एक एलिगेशन लगाया है कि वो उनका जो ऑर्गेनिक जो उपचार है वहाँ का अफ्रीकन उसमें पॉइजन मिला के देने के लिए कोविड के। बट उन्होंने WHO से क्विट करना ज़्यादा सही समझा और अपने यहाँ का जो ऑर्गेनिक उपचार है उसको उन्होंने उसके वो ब्रांड एम्बेसडर बने और आज सभी अफ्रीकन कंट्रीज मेडागास्कर से वो उपचार खरीद रही हैं। विश्वरूप राय चौधरी जी ने आचार्य मनीष जी के साथ ये संवाद किया था कि क्यों नहीं हमारे यहाँ जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है आयुर्वेद जो लगभग 5000 सालों से भी पुराना है तो उसको क्यों नहीं कुछ महत्व दिया जाता है। और इस बारे में और भी चर्चाएं हुई थी जैसे आप जानते हैं आयुष काढ़ा नाम से जो आजकल एडवर्टीजमेंट भी आ रहा है तो इट हैज बीन टेकन एज अ प्रिवेंटिव मेजर। एक सिम्टोमेटिक पेशेंट्स में जो पेशेंट सिम्टम्स शो करते हैं उनमें ये एज अ ऑप्शन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। और इसका हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ भी है वो मैं प्रूफ यहाँ आपको शेयर करना चाहती हूँ। एक RTI का रिप्लाई है जो हमारे साथी मिस्टर जगदीश चंद्रा ने लगवाई थी और इसमें पूछा था ट्रीटमेंट के बारे में कि ऑप्शन ऑफ ट्रीटमेंट COVID-19 पैंडेमिक में पेशेंट्स के पास क्या होगा। तो उसका रिप्लाई देख लीजिए मेरे साथ, मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। इफ अ COVID-19 पॉजिटिव पेशेंट विद हिज ऑन विल If a COVID-19 positive patient with his own free will decides to choose Ayurveda or homeopathy or Unani treatment and decides not to go for traditional allopathy treatment, will he be allowed to choose that? To answer here, individuals have limited options as coronavirus has been declared pandemic. A patient may infect other in community. So he is not allowed any other option than modern medicine. तो आपने देखा यहाँ पे कि modern medicine के अलावा और कोई option नहीं है। तो what's the wrong अगर कल डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी ने ये बात की कि क्यों भारत आयुर्वेद को मौका नहीं देता। आप लोगों ने देखा कि अभी लगभग 26 जून की बात है कि WHO के जो DG हैं टेड्रोस ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ट्रायल पे बैन लगा दिया, एक पॉज कर दिया। फिर उसके बाद कल 3 जून को इन्होंने फिर वो ट्रायल जो है चालू कर दिया। बैन लगाया था ये कह के लैंसेट की रिपोर्ट पे कि इट कैन कॉज कार्डियक अरेस्ट। और अभी ICMR के जो DG हैं उन्होंने भी बहुगुणा जी ने भी ये बात बोली कि ठीक है इट मे कॉज पाल्पिटेशंस और जब भी HCQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी जाए तो पेशेंट्स का रोज इको होना चाहिए। हमारे कह रहे हैं उसमें हम लोगों ने क्लियरली ये लिखा है फॉर प्रोफिलैक्सिस एक तो इट शुड बी कंटिन्यूड बिकॉज देर इज नो हार्म बेनिफिट मे बी देयर वन पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट वॉज इम्पॉर्टेंट वॉज दैट वी found that the side effects and we clearly advised that it should be taken with food. So
तो नॉजिया वॉमिटिंग जो हो रहा है वो खाली पेट खाते हैं तो दिक्कत होती है. सो इट हैज़ टू बी टेकन विद फूड, दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. द थर्ड पॉइंट विच वी एम्फसाइज इन दिस एडवाइजरी वॉज वेरी क्लियर दैट वी नीड टू डू वन ECG ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ दिस प्रोफिलैक्सिस. सो वी एक्सपेंडेड द रिकमेंडेशन फ्रॉम हेल्थ केयर वर्कर्स टू फ्रंट लाइन वर्कर्स हु कैन यूज दिस ड्रग, 2 tablets ऑन डे 1 एंड देन 1 tablet आफ्टर 7 days, एवरी 7 days, 400 mg विच इज 2 tablets एवरी 7 days फॉर 8 weeks, एंड वी कैन ऑल्सो कंटिन्यू बियॉन्ड इट वंस वी हैव 1 ECG अवेलेबल दैट इट इज सेफ. सो दिस वॉज द एडवाइजरी विच वी हैव गिवन बेस्ड ऑन लुकिंग एट द रिस्क बेनिफिट. वी फाउंड दैट पॉसिबली इट इज मोर that we should not deny our frontline workers and healthcare workers who are going to be dealing with the patients of COVID and can get some treatment. आपको लगता है कि इन हॉस्पिटल्स में रोज पेशेंट्स का इको होता होगा और ये ट्रायल एंड एरर, इसके ही अगेंस्ट तो विश्वरूप जीत है. तो क्यों आयुर्वेदा जो 5000 साल पुराना है उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है? क्यों आयुर्वेदा को एज ए अल्टरनेट पैथी ही चूज किया गया है? आप RT-PCR टेस्ट से आज COVID-19 को डायग्नोज कर रहे हैं. RT-PCR टेस्ट खुद ICMR के द्वारा जो इनका जो नई चेंज गाइडलाइंस थी रिगार्डिंग जो ऑटोप्सी को लेकर था, उसमें उन्होंने खुद बोला है कि अगर टेस्ट जो है नेगेटिव भी आता है, अनआइडेंटिफाइड बॉडीज का जो स्वैप टेस्ट अगर नेगेटिव भी आता है तो भी आप उसे COVID-19 के अंदर ही कैटेगराइज कीजिए, क्योंकि बहुत चांसेस हैं टेस्ट के फॉल्स नेगेटिव आने के. तो अगर टेस्ट के फॉल्स नेगेटिव आने के चांसेस हैं तो टेस्ट के क्या फॉल्स पॉजिटिव आने के चांसेस नहीं है? एंड आज पैंडेमिक 1 है, कल बिल गेट्स जो है कुछ दिन पहले कहे थे पैंडेमिक 2, पैंडेमिक 3, कितनी ऐसे पैंडेमिक्स आएंगी? तो क्या हर बार हम लॉकडाउन करते रहेंगे? क्यों हम आयुर्वेद के निदान पंचक को महत्व नहीं देते? आयुर्वेद सिर्फ एक गर्म पानी और काढ़ा तक ही सीमित नहीं है. आयुर्वेद का जो निदान पंचक है, निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति, इसको क्यों नहीं हम महत्व देते हैं? ये निदान पंचक, इट डज नॉट ओनली हेल्प and diagnosing the disease, but it also helps to curb the disease before it manifests. Yes, आयुर्वेद में कितने प्रकार के ज्वर हैं और पूर्व रूप में ही, ज्वर के पूर्व रूप में ही उसको लंघन के द्वारा कर्द करने का सिद्धांत आयुर्वेद में है. राजक्षमा, मधुमेह, जो आज ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, इसके बारे में आयुर्वेद ग्रंथ में वर्णित हैं, एंड मेनी टाइप्स आर देयर. तो क्यों आयुर्वेद को अल्टरनेट पैथी के कैटेगरी में रखा गया है? क्यों नहीं आयुर्वेदिक मेडिसिन का स्टैंडर्डाइजेशन पे ध्यान दिया जाता है? आज हम बात कर रहे हैं वैक्सीन्स की. वैक्सीन्स जो कि ये मैसेंजर RNA वैक्सीन्स आनी है, उसके बारे में आप दुनिया को क्यों नहीं बता रहे हैं? हम क्यों अपने बॉडी में जेनेटिक कोड इंट्रोड्यूस कराएं जब आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट है? आप पेशेंट्स को ब्रोंको, कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज है, आप उसको ब्रोंकोडायलेटर्स में रख देते हैं. आई एम जस्ट आस्किंग यू, ब्रोंकोडायलेटर्स में जो रिस्पांस नहीं करते हैं, पेशेंट्स को स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, हम उसे ब्रोंकोडायलेटर्स में रख देते हैं. आज में जितनी भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं उसमें आयुर्वेद का कोई तोड़ नहीं है. आयुर्वेद ना अपना के अगर इवन जो क्रोनिक COPD के केसेस होते हैं, आप उसमें ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ टाइम बाद वो ब्रोंकोडायलेटर्स भी रिस्पांस करना बंद कर देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे रखते हैं, वो भी रिस्पांस करना बंद कर देते हैं. बट आयुर्वेदा कैन डू वंडर्स. फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप उसे कनकासव, त्रिभुवन कीर्ति रस, शुद्ध टंकण, उसको वासा अग्लेह कहते हैं, जहां वासा है वहां आशा है, अधोटीडा वेसाइका, इतने सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऑप्शंस होते हुए, जीन से जीन ज्वर हो, अमृतारिष्ट, ग्लोइक वटी, सुदर्शन घन वटी, मतलब आप आयुर्वेद को आप यूज ही नहीं करना चाहते हैं, आप WHO के रेगुलेशंस के हिसाब से चलना चाहते हैं, तो दिस इज रियली बैड. आयुर्वेद सब एक काढ़ा नहीं है कि सिर्फ त्रिकट्टू, पिपली, पिपली मूल, ये सब ही नहीं रह गया है. आयुर्वेद बहुत कुछ है, ये बहुत जटिल विज्ञान है. आज आप
ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं, कभी रेमडेसिविर दे रहे हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे रहे हैं, उनमें तो फिर भी साइड इफेक्ट्स हैं, बट आयुर्वेदिक मेडिसिन आर दे हैव द गारंटी दैट दे कैन क्योर द डिजीज. आयुर्वेद में मेडिसिन भी पेशेंट्स की प्रकृति देख के दी जाती है, ऐसे ही नहीं दी जाती है. तो आयुर्वेद अपने आप में बहुत जटिल विज्ञान है, इसको प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए होगा. ये सिर्फ एक काढ़ा और एक गर्म पानी जैसा नहीं है, गर्म पानी भी हर किसी में फायदा नहीं देगा आज. और मैं आयुर्वेदिक डॉक्टरों से भी अपील करती हूँ कि एटलीस्ट दे शुड रेज देयर वॉइस अगेंस्ट दिस वैक्सीन प्रोग्राम. फ्लू शॉट्स आर वेरी इनफेक्टिव एंड नॉट ओनली दिस वैक्सीन विच दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इज नॉट बेस्ड ऑन द कन्वेंशनल पैराडाइम कि कोई एंटीजन उसमें डाला जाएगा. इट इज अ जस्ट अ नोवल वैक्सीन जो जिसमें एक जेनेटिक कोड इंट्रोड्यूस किया जाएगा मैसेंजर आरएनए. एंड उनका कहना है कि वो मैसेंजर आरएनए जो है वही जो है आपकी बॉडी में एंटीजन आपकी बॉडी को ही प्रोड्यूस करना होगा और आपकी बॉडी को ही एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस करना होगा. तो वी आर नॉट रेडी फॉर दैट, अवर चिल्ड्रन आर नॉट रेडी फॉर दैट. एंड अब तो गुजरात हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि मैं आपको ये पढ़ के सुनाती हूँ, आपकी स्क्रीन भी शेयर करती हूँ आपसे. गुजरात हाईकोर्ट ने क्या कहा है, गुजरात हाईकोर्ट ने, दिस इज द पीआईएल नंबर 42/2020 ईयर 2020. यस यू मे सी हियर, कुछ तरीका है जूम. यस सो ऑन द बेसिस ऑफ एफर्सेड सजेशंस इन द वेरी पैराग्राफ 62 दिस ऑनरेबल कोर्ट हैड डिजायर्ड दैट द स्टेट अथॉरिटीज मे कंसिडर द फॉलोइंग क्लॉज ए. Wide publicity must be given by the state and by way of newspaper advertisements declaring that merely because someone has tested positive is no reason to panic. Now Gujarat High Court भी बोल रहा है कि just आप test positive हो जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप panic करना शुरू कर दें. Home isolation must be adhered to. Listen, ये जो government ने पूरा control कर रखा है कि हम ही जो है treatment करेंगे, हमारे पेशेंट के पास कोई चॉइस नहीं, उस पर ट्रायल एंड एरर मेथड किया जाएगा. आज आप सुनते हैं अचानक से मृत्यु हो गई, कल सही तक क्यों. हैव यू एवर चेक्ड द साइड इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, इट कॉजेज एरिथमिया, इट कैन कॉज कार्डियक अरेस्ट. हैव यू एवर चेक्ड द साइड इफेक्ट्स ऑफ रेमडेसिविर, इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी अरेस्ट. एनीवेज, तो आप जो बंदा पहले ही कोमॉर्बिडिटी से वीकेंड है, आप उसको ये सब मेडिसिन ट्रायल एंड एरर में कैसे रख सकते हैं. इसको आगे देखिए. Merely because someone has tested positive is no reason to panic. Home isolation must be adhered to. It is only when the symptoms develop that a person must approach to hospital. Asymptomatic patients can be cured through home isolation and other household remedies like steam, inhalation, continuous sipping of warm water, consumption of kada, vitamin C, etc. So, अब तो गुजरात हाई कोर्ट भी कह रहा है पैनिक करने की जरूरत नहीं है. आप जब जीरो केस था यहाँ पे, आपने तब फ्लाइट्स नहीं रोकी, फिर उसके बाद आपने अचानक 4 घंटे के अंदर लॉकडाउन कर दिया, और फिर उसके बाद अब जब 2 लाख में केसेस है तो आप कह रहे हैं कि अब आप काम पे जाइए. तो ये सब कुछ क्यों. और डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जब सच्चाई दुनिया के सामने ला रहे हैं, वो भी तो पैनिक ही हटा रहे हैं. तो उनकी यूट्यूब वीडियोज डिलीट करना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच को हनन करना है. अनंत थिंग्स, तो मुझे अभी तक नहीं लगा कि उन्होंने कोई गाइडलाइंस के अगेंस्ट कुछ बोला हो. ठीक है, हम पालन कर रहे हैं लॉकडाउन का, हम पालन कर रहे हैं आपने जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जितनी भी बातें बोली हैं, मास्क लगा के बाहर जाना, सोशल गैदरिंग नहीं करना, हम पालन कर रहे हैं. और राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच NDMA के तहत उसका हनन नहीं हुआ. यानी हमारा क्वेश्चन है पूछने का कि सारा कुनियाल ने वहां के प्रेसिडेंट को बोला कि अगली बार अगर आपके पास बिल गेट्स का कॉल आए तो समझ लेना आप एक अपराधी का मदद कर रहे हैं. यू आर द फ्रेंड ऑफ अ लॉयर, ही इज अ क्रिमिनल. उसको बायो टेररिस्ट के नाम से उसको वैक्सीनेशन के, जो इसको वैक्सीनेशन फ्रीक तो है ही है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि खुद
स्वदेशी जागरण मंच ने वर्ष 2017 में ने बाहर का रास्ता दिखाया था। ऑलरेडी ये प्रामा फेशी एक्यूज भी है कल्पना मेहता एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ओपिनियन अदर्स एंड पूरे विश्व में इनके खिलाफ सबने मोर्चा खोल रखा है। तो क्यों इनसे पार्टनरशिप की, क्यों हमारे आयुर्वेद को ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्यों इसको जो सेंट्रलाइज कर रखा है, क्यों हमारे से चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट छीना गया है, क्यों सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन ही एकमात्र रास्ता रह जाता है। दिस इज माई बॉडी, आई वॉन्ट टू ट्रीट इट इन माई ऑन वे, आई डोंट वॉन्ट माई सेल्फ टू सर्व एज अ गिनी पिग टू द गवर्नमेंट। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू से। और अब जब गुजरात हाई कोर्ट ने कह दिया है सरकार को कि वो न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइज करे कि पॉजिटिव टेस्ट होने का मतलब पैनिक करना नहीं है, मतलब कि बढ़ते हुए आंकड़ों से पैनिक ना होए, तो क्या विश्वरूप राय चौधरी जी अगर पैनिक हटा रहे हैं तो उनका वीडियो तो आपने डिलीट कर दिया, तो क्या ये जो न्यूज़ एंकर्स हैं जो बिना बात का पैनिक क्रिएट कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कोई एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? 2 लाख आंकड़े चले गए आज, इतने आंकड़े चले गए आज, ये इतना पॉजिटिव आ गया, इतना लोगों के मन में पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, जबकि हर साल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है 4 करोड़ तक जाते हैं। हर बीमारी का आंकड़ा आप आम जनता को क्यों नहीं बता रहे हैं, क्यों आम जनता को पैनिक कर रहे हैं? क्योंकि आम जनता इन आंकड़ों से अनवगत होती है। हर साल जो है मासिक रोगवार और वार्षिक रोगवार जो है सरकारी आंकड़े जो है सरकारी अस्पतालों द्वारा जो है भेजे जाते हैं सरकार को, तो वो सब आंकड़े क्यों नहीं दिखाए जाते हैं?